हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ हेयर ग्रोथ का कुछ सीक्रेट टिप्स। तो सबसे पहले हम एलोवेरा लेंगे और एलोवेरा को अच्छे से छील लेंगे। और आप देख रहे हो मेरे यहाँ पौधा भी है, तो मैं उसी से तोड़ ली थी। और ये देख सकते हो इसका जो बीज का है उसका मैं निकाल लूँगी और मिक्सी के पॉट में निकालूंगी। और आप देख सकते हो ये मिक्सी के पॉट में निकाल ली और ये पीस भी ली। और पीसने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और बर्तन में हम ऑयल डालेंगे, बादाम का या फिर आप सरसों का भी ऑयल डाल सकते हो, ये भी अच्छा है। और मैं अभी बादाम का ही तेल डाल रही हूँ। और उसके बाद देख सकते हो आप मेरा बाल का स्थिति क्या है, और कितना भी कंघी कर लो पर ये उलझन जाता ही नहीं है। तो अभी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं मेरे बाल। तो ये साथ ही साथ इसका साइन भी होगा बाल का और ग्रोथ भी बढ़ेगा। और इसको एक महीने में 4 बार यूज़ करना है, क्योंकि 4 संडे तो पड़ ही जाता है। तो आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर से यूज़ करिएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एक ही महीने में बाल ग्रोथ भी होने लगेंगे और साइन भी करने लगेंगे और झड़ना भी बंद हो जाएगा और जो डैंड्रफ से छुटकारा भी मिलेगा। तो ये प्लीज़ आप लोग अप्लाई ज़रूर से करिएगा और जैसा मैंने बताया वैसे ही करिएगा। तो देख सकते हो मैं पूरा बाल में लगा रही हूँ और अच्छे से लगाना है इसको, जड़ से पूरा बाल तक लगाना है। ये नहीं कि बाल बाल में पूरा लगा लेना, ऐसा नहीं है, पूरा अच्छा जड़ में लगाना है इसको और अच्छे से मालिश करना है। और आप देख सकते हो मैं मालिश कर रही हूँ, वैसे ही बिल्कुल मालिश करना है और पूरा जड़ में ही ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत मजबूत बनेंगे और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी होगा बाल, क्योंकि जितना मजबूत रहता बाल उतना ही अच्छा ग्रोथ भी होता है। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा बाल में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हम पूरा बाल को पूरा बांध लेंगे अच्छे से, एक भी बाल नहीं छूटना चाहिए। तो उसके बाद हम उसमें हेयर बैंड लगा देंगे और लगाने के बाद इधर आप देख सकते हो थोड़ा बचा है उसको मैं लगा लेती हूँ पूरा और सामने सामने में। तो आप देख सकते हो मैं पूरा लगा रही हूँ और ये बचा है थोड़ा सा। तो अब इसको हम आईब्रोज में भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे क्या होता है आईब्रोज काले हो जाते हैं। तो मेरा आईब्रोज ज़्यादा दिखता नहीं अच्छे से, तो मैं इसमें भी लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है, इसको फेस में भी लगा सकते हो आप। और आप देख सकते हो मैं बाल धो के निकल गई, इसको मैं आधा घंटा रखी थी और आधा घंटे के बाद जब मैं धोई तो बाल बहुत ही सिल्की हो गए थे। आप देख सकते हो मैं कंघी कर रही हूँ फिर भी से बाल बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हुआ था मेरा ये पूरा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे और बहुत ही सिल्की हो गया था। मतलब कितना भी घुमा रही थी बाल को, इधर उधर उलझा रही थी, फिर भी से बिल्कुल भी नहीं उलझ रहा था बाल। और देख सकते हो आप थोड़ा सा साइन भी कर रहा है बाल। तो आप इसको अप्लाई ज़रूर से करिएगा एक बार, और अगर रिजल्ट आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये टिप्स कमेंट में ज़रूर से बताइए।